किरण की रसोई से मैं आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लड्डू बनाने वाले हैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। तो एक परात हमने ले ली है, इसमें मैंने मैदा लेना है 1.25 कप, यानी 150 ग्राम करीब हमारा मैदा है। इसको मैंने छान लिया है, तो इस परात में मैदा डाल दूंगी। और 1/4 कप जो है सूजी ले ली है, इसको छान लिया है, तो 1/4 कप बराबर 37.5 ग्राम सूजी ले ली है। इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं 200 ग्राम बराबर 1 कप जो है देसी घी डालूँगी। सब कुछ रूम टेम्परेचर पे लेना है हमको। इसमें घी, मैदा और सूजी, इन तीनों को मैं मिला लेती हूँ। ये जो टेक्सचर हमें बनाना है, इसी से हमारे लड्डुओं का जो है बहुत गजब का टेस्ट आने वाला है। इनको मिला लिया। अब इसमें हम सबसे सीक्रेट चीज डालेंगे, वो डालेंगे हम पानी। तो 1/2 कप हमने बिल्कुल चिल्ड बर्फ को लेकर के हमने ये पानी बनाया है, या फ्रीजर में रख लें, बिल्कुल ठंडा पानी हमें चाहिए। तो 1/2 कप हमने पानी ले लिया, इस पानी को मैंने डाल दिया। और इसी के साथ में 1/4 कप बर्फ का चूरा, बर्फ को मैंने कपड़े में रख कर के कूट लिया था, तो ये बारीक चूरा है, इसको मैं डाल दूंगी। तो 1/2 कप चिल्ड पानी और 1/4 कप हमारा बर्फ है। अब इसको इस तरीके से फेंटना है हमको, पूरा 2 मिनट तक इस तरीके से, पूरी ताकत से इस तरीके से फेंट के हमें तैयार करना है इस आटे को। तो मैं पहले इसको 2 मिनट तक फेंट लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। हम इसको बर्फ के साथ और ठंडे पानी के साथ फेंट रहे हैं, तो क्या हो रहा है, घी जो है वो हमारा पहले भी जमने वाली कंसिस्टेंसी में था, और इसको डालने से और भी ज़्यादा टाइट हो गया है। तो ये थोड़ा सा जोर मांगता है, लेकिन हमारी जो रेसिपी है वो गजब की बनती है, बहुत ही सॉफ्ट और लुकिंग में भी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए, इसको फेंट रहे हैं तो हमारा मैदा और सूजी जो है काफ़ी सफ़ेद होता जा रहा है, क्योंकि इसमें ठंडा पानी हमने यूज़ किया। तो अब इसको मैं एक बार थोड़ी देर और फेंट के फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, हमने 2 मिनट तक इसको अच्छे से फेंटा है, और एकदम इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है, क्योंकि घी भी हमारा टाइट हो गया है। तो अब इसको हम ढक करके सिर्फ 2 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम 325 ग्राम बराबर 1.5 कप हमारी ये चीनी है, और इसमें हम 1.5 कप ही पानी डाल देंगे। 325 ग्राम बराबर 1.5 कप है, और 1.5 कप ही हमें इसमें पानी डालना है। और इसकी हमें एक तार से थोड़ी सी कड़क चाशनी बनानी है। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें हम ये हमारा मैदा और सूजी का जो मिश्रण है इसको डाल देंगे। इस मिश्रण को हम मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए अच्छे से सेक लेते हैं। देखिए, घी हमारा जो जमा हुआ था वो मेल्ट हो गया है, और ये देखिए कलर भी हल्का हल्का चेंज हो रहा है। और मीडियम आंच पे हमें इसको पूरी तरह से घी छूटेगा अभी, और इसका थोड़ा कलर चेंज होगा और थोड़ी खुशबू भी अच्छे से आएगी, तब तक हम इसको अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे हमारी सिकाई होने लगेगी, आप देखेंगे कि ये फ्लफी स्पंजीनेस में दिखने लगेगा। और ये देखिए, इस पर कितनी अच्छे से जाली हो रही है। तो अभी हम और सेकेंगे इसको, क्योंकि मैदा है तो कई बार कलर का पता चलने में देर लगती है, तो इसलिए मैं बीच बीच में आपको दिखा दूँ। ये देखिए, जब सिकाई होने लग गई है तो ये देखिए इसकी मात्रा जो है ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा ढीला हमारा मिश्रण हो गया है। ये देखिए, घी जो है हमारा काफ़ी पूरा अलग हो गया, और मैदे और सूजी का भी कलर अच्छा चेंज हो गया, खुशबू भी अच्छी आ गई है। तो अब हमारा मिश्रण सिक गया है, तो अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब हम अपनी चाशनी चेक करते हैं, अगर चाशनी में कोई गंदगी हो तो छलनी से आप अलग कर लें। मेरी शक्कर बिल्कुल साफ है, इसमें कचरा नहीं निकला है। ये देखिए, अब मैं चाशनी चेक करती हूँ,
अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इस टाइम हम इसमें तो अब इसमें हम थोड़ा सा बसंत पंचमी के उपलक्ष में हम लड्डू बना रहे हैं, इसलिए हल्का सा पीला कलर डालेंगे। वैसे ये वाइट भी अच्छे लगते हैं, और गुलाब की पत्तियों से आप डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें मैंने पीला मीठा पीला कलर डाला है, और थोड़ा सा ये केसर भीगा हुआ डालूंगी। केसर का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, और बसंत पंचमी में तो हर चीज़ पीली अच्छी लगती है। तो अब मैं इसको थोड़ी और कड़क कर लेती हूँ। चाशनी हमारी हो गई है, इसकी पहचान बताती हूँ। एक तार की चाशनी तो मैंने आपको बता दी, अब ये एक तार से थोड़ी सी कड़क चाशनी कैसे चेक करेंगे, ये देखिए। ये उंगली को हम जितना खोल रहे हैं उतना लंबा हमारा ये तार जा रहा है। तो ये एक तार की चाशनी में इतना लंबा धागा नहीं जाता है, ये देखिए। और जितना ठंडा हो रहा है उतना लंबा ये धागा जा रहा है, ये देखिए। दिख रहा होगा आपको, ये इसकी इतनी पहचान है कि हम बिल्कुल फ्रीली उंगली को चला रहे हैं, और ये देखिए बिल्कुल धागा टूट नहीं रहा और बराबर जा रहा है। तो अब ये हमारा जो है चाशनी तैयार है। अब गैस हमने बंद कर दिया, और इस चाशनी को हमें हल्का गुनगुना करना है। गरम चाशनी हमें उस सीके हुए मिश्रण में नहीं डालनी है, तो इसको बिल्कुल हम हल्का गुनगुना ठंडा होने देते हैं। तो हमारा ये मिश्रण भी हल्का गुनगुना हो गया है सूजी का, और चाशनी भी हल्की गुनगुनी हो गई है। क्योंकि अगर हम तेज गर्म मिश्रण में चीनी डालेंगे और चाशनी भी हम गरम गरम डालेंगे तो हमारे जो लड्डू हैं वो सॉफ्ट नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए जो है चाशनी को तो हमें बिल्कुल हल्का गुनगुना कर लेना बहुत ज़रूरी होगा। तो अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा डालती हूँ चाशनी को, और इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये देखिए मिश्रण अभी एकदम से जब हम हल्के गुनगुने में डालते हैं तो इस तरीके से पतला होता है, लेकिन अभी जब मैंने डाला था और अभी लगातार हिला रही हूँ तब तक मैं काफ़ी इकट्ठा हो गया ये। तो आप ये ना सोचें तो इसके लड्डू कैसे बनेंगे, क्योंकि मैदा है सूजी है और चाशनी हमारी कड़क है। तो ये देखिए इस तरीके से हमको थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाना और बिल्कुल पूरा ठंडा होने देना। कोई भी लड्डू हम बनाते हैं तो उसके लिए मैं हमेशा बताती हूँ मिश्रण हमारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तब हमारे लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए अब इसको मैं जैसे जैसे चला रही हूँ उतना ये गाढ़ा होता जा रहा है। ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए मिश्रण को मेरे को 2 से 3 मिनट हो गए, मैं कंटिन्यू इस कढ़ाई में इसको चलाती जा रही हूँ, और आप भी इसी तरीके से चलाएं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा चाशनी डालते ही कि जैसे ये तो पानी जैसा हो गया, लेकिन मैदा होता है वो थोड़ी देर में चाशनी पीता है, चाशनी हमारी कड़क है। तो हमारा देखिए मिश्रण अच्छे से लड्डू जैसा हो रहा है। अभी ये कढ़ाई जो है काफ़ी गर्म है, तो इसको मैं अलग एक थाली में निकाल लेती हूँ, ताकि मिश्रण जब पूरी तरह से ठंडा होगा तभी हम इससे अच्छे से लड्डू बना पाएंगे। तो प्लेट में मैं फैला लेती हूँ, और अभी थोड़ा सा और गर्म है, हल्का सा गुनगुना हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा और ठंडा कर लेती हूँ। मिश्रण हमारा अच्छा सा हो गया है। अब इसमें हम या तो पिस्ता डाल दें या बादाम डाल लें, जो भी आपके पास हो। मैंने बादाम डाल दिए इसमें, तो इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब मिश्रण काफ़ी अच्छा हल्का गुनगुना हो गया है, और अब मैं इससे इस तरीके से छोटे बड़े जैसे भी साइज़ के आपको लड्डू पसंद है बना लें। ये देखिए घी भी बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा घी भी नहीं है इसमें। तो अब मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे मैदा सूजी के लड्डू बनकर के तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। 4 से 5 दिन तक आप इनको रख सकते हैं, और सरस्वती माता के पूजन के लिए ये लड्डू बहुत ही टेस्टी लड्डू हैं। और इस बार बसंत पंचमी पर इस लड्डू को बना करके ज़रूर देखें, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ।